जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉक्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जल शक्ति विभाग के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये JSV डिवीज़न देहरा में जारी की गई है, जिसमें आपकी पंप ऑपरेटर की और मल्टी पर्पज़ वर्कर की टोटल आपको 40 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आपकी पंप ऑपरेटर की 20 पोस्टें हैं और 20 मल्टी पर्पज़ वर्कर की पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है ये हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के द्वारा आपको वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो पैरा पंप ऑपरेटर की और मल्टीपर्पज़ वर्कर की आपको इसमें अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि JSV डिवीज़न देहरा के लिए है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और इसमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी फ़र्स्ट पोस्ट है पैरा पंप ऑपरेटर की, इसमें आपको 20 पोस्टें दी गई हैं। इसके बाद इसमें आपकी सैलरी 4300 पर मंथ रहेगी और इसमें जो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए और आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ITI का, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या पंप ऑपरेटर का, इनमें से अगर आपके पास कोई भी ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वर्कर की, इसमें आपको टोटल 20 पोस्टें दी गई हैं और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 3000 पर मंथ रहेगी और इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मिडिल पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hpiph.org पर जाकर आप इसके DSV डिवीज़न देहरा ऑफिस, जो आपका ऑफिस है देहरा, उस पर क्लिक कर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 45 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन परफॉर्म है वो आपने 16/8/2021 से पहले पहले इनके ऑफिशियल एड्रेस, जिसमें आपका द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न देहरा पर आपने इसे सेंड करना है। चाहे तो आप इसे स्पीड पोस्ट के जरिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। तो दोस्तों, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, जिसमें आपका प्रूफ, एज का प्रूफ होगा और आपका इनकम, अगर आपका BPL कैंडिडेट है तो इनकम का प्रूफ होगा, उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होंगे, उसके बाद आपका बोनोफाइड हिमाचली और करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये आपने साथ में लगाने हैं, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके परफॉर्मा की। तो ये कुछ इस तरह का आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा तैयार करना है, जिसमें आपने एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ वर्कर INJAL शक्ति विभाग पर ये आपने ऊपर लिखना है। उसके बाद आपका एप्लीकेंट नेम आएगा जो कैपिटल लेटर में आएगा, फादर नेम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, परमानेंट होम एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस होम एड्रेस, उसके बाद वेदर बिलोंग BPL फैमिली, तो वो आप यहाँ पर यस या नो करोगे। इसके बाद आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, एक आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लगानी है और इसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस आ जाएगी, जिसमें आपका 8th का या 10th का, उसके बाद आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस का कॉलम आएगा, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी डिक्लेरेशन आएगी, वो आपने ये प्रॉपर ऐसे ही अपना फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपने इनके ऑफिशियल एड्रेस पर इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए 16/8/2021 तक इसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।